Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। पवन कुमार हनुमान शास्त्रविद, नीतिज्ञ और सूझबूझ वाले मनीषी थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। बातचीत करने की कला में वे निपुण थे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब तो न बादल दिखाई पड़ते हैं और न बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के पश्चात सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना कर विलासिता में मग्न रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रूमा के साथ साथ अब तारा भी उनके विकास लीला की अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। राजकाज का भार केवल मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वे स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र को दिए गए अपने वचन का उन्हें स्मरण नहीं रह गया। इस प्रकार से वे सभी तरह से विचार करके हनुमान सुग्रीव जी के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, आपको राज्य और यश दोनों की प्राप्ति हो चुकी है। आपने कुल परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी का भी विस्तार कर लिया है। अब आपको मित्रों को अपनाने को भी पूरा कर डालना चाहिए। आपने मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की उसे भी पूरा करना चाहिए। आप तो जानते हैं श्री राम हमारे परम मित्र और हितैषी हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें जनक नंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। सुग्रीव सत्य गुणों से संपन्न थे। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्होंने राम के कार्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक कुशल वानर को बुलाकर आज्ञा दी, हे नील, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी संपूर्ण सेना शीघ्र यहाँ एकत्रित हो जाए। सभी युद्धपतियों और को सेना और सेनापतियों के साथ यहाँ अविलंब एकत्रित होने का आदेश दो। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले सब उद्यमी एवं शीघ्रगामी वानरों को यहाँ तत्काल उपस्थित होने के लिए आज्ञा प्रसारित करो। सभी को सूचित कर दो कि जो वानर 15 दिन के अंदर यहाँ बिना किसी अपरिहार्य कारण के उपस्थित नहीं होगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध कर सुग्रीव अपने महल में चले गए।
शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम को सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के विषय में कोई सूचना नहीं मिली। वे सोचने लगे, सुग्रीव अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मुझे बिल्कुल भूल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब सीता को पाने की कोई आशा नहीं शेष रह गई, न जाने सीता पर कैसे बीत रही होगी। राजहंसों के शब्दों को सुनकर निद्रा त्याग करने वाली सीता न जाने अब वहाँ कैसे रह रही होगी, या शरद ऋतु उसे और अधिक व्याकुल कर रही होगी, या सोचते हुए राम सीता को स्मरण कर विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए थे। जब लक्ष्मण फल लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण, पृथ्वी को जल पलावित कर देने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए हैं। आकाश निर्मल हो गया है। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। हंस मानसरोवर का परित्याग कर पुनः लौट गए हैं और चक्रवातों के समान सरिता के रेतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा काल में मंदोमत होकर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए हैं। सरिता की कलकल करती वेगमयी गति अब मंद पड़ गई है, मानो वो कह रही है कि चार दिन के यौवन पर मंदोमत होकर गर्व करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखा डाला है, इससे वे आगमन और यातायात के लिए खुल गए हैं। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए, परंतु सुग्रीव ने ना अब तक मेरी सुध ली और ना जानकी की खोज कराने की कोई व्यवस्था की है। वर्षा काल के ये चार मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए हैं। सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छिन गया, देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया और अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया। हे वीर, तुम्हें याद होगा सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वह इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार भूल गया। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उस स्वार्थी वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता वह नीच और पतित होता है। क्या वह भी बाली के जैसे ही यमलोक को जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश न होना पड़े। श्री राम की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार के वक्षों को बलपूर्वक गिराते, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार करके वे सुग्रीव के राजप्रसाद में जा पहुंचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुबत भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी काम नियों के गायनों के स्वर निकल रहे थे। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक प्रकार के रूप रंग की बहुत सी रूप यौवन से गर्व से भरी सुंदर स्त्रियों को देखा। नुपुरों की झंकार, करधनी की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते ना देख कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्यांगनाएं नृपों और मेखलाओं की झंकार के साथ नृत्य कर रही थी और सुग्रीव मद्यपान से अचेत अर्ध निमलित नेत्रों से यह सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गईं। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय रामचंद्र जी का यह छोटा भाई अकारण ही इतना क्रोध होकर क्यों आया है? तुम अब से अपनी मृद वाणी से शांत करो, जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत कर यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा पाकर मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची, अपने सम्मुख
सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदुवाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? यदि हमसे कोई अपराध हुआ है, आपके दास सुग्रीव से अपराध हुआ भी है, तो आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा कर देना चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतघ्न नहीं हैं और ना ही वे कपटी और मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वो सदा स्मरण करते रहते हैं। आप दोनों भाइयों का गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उन्होंने अपने राज को, रूमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई, वे आपके दर्शन ना कर सके। आप तो जानते हैं, विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति हैं। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे और रूमा और अंगद को भी छोड़ देंगे, और जब तक जनक दुलारी सीता जी को रामचंद्र से नहीं मिला देंगे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदार को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सबको लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचे। लक्ष्मण के पास से ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक ओर रूमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने खुद होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन कर उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में घोघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं ही भोगनी पड़ती हैं। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया, उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है, इसलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलम्ब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत ही दुखी हो रहे हैं। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल का रामायण का यह 38वां एपिसोड आप लोगों के लिए पुनः लेकर हम हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं कि एपिसोड भी आप लोगों को पूर्व की भांति ही पसंद आएगा, और इसको और अधिक बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।